दोस्तों धर्म शास्त्रों में पर्वतों और वनों में बसे देवी देवताओं की महिमा अपार बताई गई है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शिवलिंग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके अंदर ही हजार शिवलिंग है। जी हाँ, यहाँ किया था स्वयं महादेव भगवान शिव ने तांडव। क्या है इसके पीछे की कहानी, चलिए आज की इस खास वीडियो में हम यही जानते हैं। दोस्तों धर्म शास्त्रों में पर्वतों और वनों में बसे देवी देवताओं की महिमा अपार बताई गई है। देवभूमि उत्तराखंड का सनातन हिंदू धर्म संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है और भगवान भोलेनाथ को प्रिय भी है। दोस्तों हरिद्वार के नील पर्वत के बारे में, जहां नीलेश्वर महादेव के रूप में भगवान शिव ने तांडव किया था, उसके बारे में तो आप सब जानते होंगे। हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत बड़ा महत्व है और श्रावण मास को मनोकामनाएं पूर्ण करने का महीना भी कहा जाता है। धर्म नगरी के नील पर्वत पर स्थित नीलेश्वर महादेव मंदिर का अस्तित्व आदि काल से माना जाता है। शिव पुराण में भी नीलेश्वर महादेव मंदिर का उल्लेख मिलता है। नीलेश्वर महादेव मंदिर भी दक्षेश्वर मंदिर के काल से ही यहाँ स्थित है। हरिद्वार और कनखल में भगवान शंकर, सती और पार्वती के अनेक चिन्ह बिखरे हुए हैं। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए पूरे श्रावण मास इन पौराणिक मंदिरों में श्रद्धालु रुद्राभिषेक करने पहुंचते हैं। पौराणिक मान्यता है कि माता सती भगवान शिव के मना करने के बावजूद यज्ञ में शामिल होने के लिए पिता दक्ष के पास कनखल आई थी। इस दौरान भगवान शिव का अपमान होता देख माता सती ने हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों को त्याग दिया। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो वो क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने गणों को यज्ञ नष्ट करने और राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग करने का आदेश दिया। शिव महापुराण के मुताबिक सती के यज्ञ कुंड में प्राण त्यागने के बाद भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए और अपने प्रचंड क्रोध के कारण भगवान शिव का पूरा शरीर नीला हो गया। उन्होंने जमकर तांडव किया, जिसकी वजह से पर्वत का नाम ही नील पर्वत पड़ा, जहां भगवान शिव का मंदिर स्थापित है और उसे कहते हैं नीलेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों कहा जाता है कि नील धारा के रूप में गंगा भगवान शिव के चरणों को प्रणाम करती है। ज्योतिषाचार्य प्रतीक मिश्र पुरी का कहना है कि नीलेश्वर महादेव मंदिर भी दक्षेश्वर मंदिर के काल से ही यहां स्थित है। मंदिर में उत्तराभिमुख 2.5 फीट ऊंचा स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। ऐसे में अगर कोई सावन में भोलेनाथ का जल अभिषेक करता है तो विशेषकर 2 गुरुवार पूजा अर्चना करता है तो उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाती हैं। मान्यता है कि स्वयंभू शिवलिंग के भीतर छोटे छोटे 1000 शिवलिंग मौजूद हैं। ऐसे में यहाँ पर जल अभिषेक करने वाले श्रद्धालु को 1000 शिवलिंग पर जल अभिषेक करने का पुण्य प्राप्त होता है। हरिद्वार एक ऐसा शहर है जिसे लोग मोक्ष का द्वार मानते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के हर शिखर पर कोई ना कोई मंदिर स्थापित है। इसके साथ ही नदी का संगम स्थल भी देश दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक मान्यताओं का प्रमुख केंद्र बिंदु भी है। इसीलिए सावन के मौके पर नीलेश्वर महादेव में भगवान शिव का जल अभिषेक और रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व है। कभी भविष्य में अवसर मिले तो जरूर जाइएगा। और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए महादेव दर्शन।